नमस्कार जी, कैसे हैं आप? दोस्तों, मैं आपको एक अद्भुत जानकारी देने जा रही हूँ। दोस्तों, क्या है कि यहाँ हनुमान जी स्त्री स्वरूप में पूछते हैं राम भक्त हनुमान को, और दर्शन मात्र से ही हमारी सारी इच्छाएं वो पूरी कर देते हैं। दोस्तों, हनुमान जी जिन्हें हम बहुत ही श्रद्धा से विश्वास से पूछते हैं, वहाँ पर एक मंदिर है दोस्तों, जयपुर रावण की लंका में आग लगा देने वाले राम भक्त हनुमान कलयुग में भी श्रेष्ठ पूजनीय माने जाते हैं। विश्वभर में हनुमान के विभिन्न स्वरूपों की दोस्तों उपासना की जाती है, लेकिन आपको यह जानकर बहुत चक्के रह जाएंगे कि भारत में बजरंग बली का एक ऐसा अद्भुत मंदिर भी है जहां वे पुरुष नहीं वरन स्त्री के वेश में विराजमान है। हाँ दोस्तों, वो स्त्री के वेश में विराजमान है। स्त्रियों से सदा ही दूर रहने वाले बजरंग बली को इस मंदिर में स्त्री रूप में पूजा जाता है। बाकी विश्व में पवन पुत्र व राम भक्त हनुमान को समस्त भक्तजन बाल ब्रह्मचारी के रूप में पूजते हैं, जिस कारण स्त्रियों को उनकी किसी भी प्रतिमा का स्पर्श वर्जित बताया गया है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से 25 किलोमीटर दूर रतनपुर में स्थित है यह अनूठा मंदिर। रतनपुर को महामाया नगरी भी दोस्तों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर माँ महामाया मंदिर तथा गिरजाबंद स्थित हनुमान जी मंदिर है। इस छोटी सी नगरी में स्थित बजरंग बली जी की यह विश्व का एकमात्र मंदिर है जहाँ हनुमान जी को स्त्री रूप में पूजा जाता है। लोगों का मानना है यहाँ आने वाले हर भक्त की बजरंग बली इच्छा पूर्ण करते हैं। दोस्तों, एक पौराणिक कथा के अनुसार यहाँ बजरंग बली की स्त्री रूप में उपासना करने का विशेष कारण बताया गया है। कथा के अनुसार लगभग 10,000 साल पहले रतनपुर के राजा पृथ्वी देवजू को कोढ़ का रोग हो गया था। कोढ़ की बीमारी से लाचार देवजीव ने विचार किया कि मैं इतना बड़ा राजा हूँ परंतु किसी काम का नहीं, मुझे कोढ़ का रोग हो गया है। अनेक उपचार किए परंतु किसी औषधि से लाभ ना हुआ। इस रोग के रहते न मैं किसी को स्पर्श कर सकता हूँ, ना ही किसी के साथ रमण कर सकता हूँ। इस त्रास भरे जीवन से दोस्तों मृत्यु ही उपयुक्त है। ऐसा विचार करते हुए राजा को निद्रा आ गई। राजा ने सपने में देखा कि संकट मोचन हनुमान जी उनके सम्मुख प्रकट हुए। वेश देवी सा है परंतु देवी है नहीं, लंगूर है पर पूछ नहीं, जिनके एक हस्त में मोदक से परिपूर्ण थाल है तो द्वितीय हस्त में राम मुद्रा अंकित है, कण में भव्य कुंडल है, माथे पर सुंदर मुकुट माला, अष्ट श्रृंगार युक्त हनुमान जी की दिव्य मंगलमयी मूर्ति ने राजा से कहा कि हे राजन, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कष्ट अवश्य नाश होगा। तू मंदिर का निर्माण करवा कर उसमें मुझे बैठा। मंदिर के पृष्ठ भाग में ताल खुदवा कर उसमें स्नान कर एवं मेरी विधिवत पूजा कर, इससे तुम्हारे शरीर में हुए कोढ़ का नाश हो जाएगा। इसके उपरांत राजा ने विद्वानों से सलाह ली। उन्होंने राजा को मंदिर निर्माण की सलाह दी। राजा ने गिरजाबंद में मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया। जब मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ तो राजा ने सोचा कि मूर्ति कहाँ ले से आई जाए।
इस विचार के बाद एक रात स्वप्न में पुनः हनुमान जी प्रकट होकर बोले कि माँ महामाया के कुंड में मेरी मूर्ति रखी हुई है, तो कुंड से उसी मूर्ति को यहाँ लाकर मंदिर में स्थापित करवा। द्वितीय दिवस राजा अपने परिजनों व पुरोहितों को साथ देवी महामाया के दरबार में गए। वहाँ राजा व उनके साथ गए व्यक्तियों ने कुंड में मूर्ति की खोज की, परंतु उन्हें मूर्ति नहीं मिली। निराश होकर राजा महल में लौट आए। संध्या आरती पूजन कर विश्राम करने लगे। हृदय व्याकुलता की हनुमान जी ने दर्शन देकर कुंड से मूर्ति लाकर मंदिर में स्थापित करने को कहा है एवं कुंड में मूर्ति नहीं मिली। इसी उधेड़ बुन में राजा को निद्रा आ गई। निद्रा का झोंका आते ही स्वप्न में पुनः हनुमान जी ने आकर कहा कि राजा तू हताश न हो, मैं वही हूँ, तूने सही से खोज नहीं की। वहाँ घाट पर जाकर देखो जहाँ समस्त जन जल लेते हैं, स्नान करते हैं, उसी में मेरी मूर्ति रखी हुई है। राजा ने द्वितीय दिवस जाकर देखा तो सचमुच वह अद्भुत मूर्ति उनको घाट में प्राप्त हो गई। यह वही मूर्ति थी जिसे राजा ने स्वप्न में देखा था। अद्भुत है पवन पुत्र की वह दोस्तों मूर्ति। राजा को प्राप्त इस मूर्ति में अनेक विशेषताएं हैं। इनका मुख दक्षिण की ओर है तथा साथ ही मूर्ति में पाताल लोक का चित्रण भी है। मूर्ति में रावण के पुत्र अहिरावण का संगार करते हुए दर्शाया गया है। उनके अंग प्रत्यंग से तेज पुंज की छटा निकल रही थी। अष्ट श्रृंगार से युक्त मूर्ति के बाम कांधे पर राम लल्ला व दाहिने कांधे पर अनुज लक्ष्मण के स्वरूप विराजमान। दोनों पांव में निशाचरों, वाम पांव के नीचे अहिरावण एवं दाहिने पांव के नीचे कसाई को दबाए हुए हैं। इस अद्भुत मूर्ति को देखकर राजा मनी मन बड़े खुश हुए। फिर विधि विधान पूर्वक मूर्ति को मंदिर में लाकर प्रतिष्ठित कर दी तथा मंदिर के पृष्ठ भाग में ताल खुदवाया जिसका नाम गिरजाबद्ध रख दिया। इच्छित फल पाकर राजा ने हनुमान जी से वरदान मांगा, आशीर्वाद मांगा कि हे प्रभु, जो यहाँ दर्शन करने को आए उसके समस्त इच्छाएं सफल हो। इस प्रकार राजा पृथ्वी देवजू द्वारा निर्मित यह मंदिर भक्तों के कष्ट निवारण का ऐसा केंद्र हो गया जहाँ के प्रति ये आम धारणा है कि हनुमान जी का यह स्वरूप राजा के ही नहीं अपितु प्रजा के कष्ट भी दूर करने हेतु स्वयं हनुमान जी महाराज ने राजा को प्रेरित करके निर्मित करवाया है। दोस्तों, अगर मेरी ये जानकारी आपको या मेरी वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, ग्रुप में भेजिए, जिससे आपको उनको भी पता चले कि हनुमान जी सबकी इच्छाएं पूर्ति जरूर करते हैं। दोस्तों, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।